विदर्भा नाम के एक गांव में एक स्कूल था। उस स्कूल के बच्चे थोड़े दिनों से क्लासरूम में पाठ सुने बिना जैसे तैसे करके क्लास से बच के भाग निकलते थे। ये सब गौर करके स्कूल मैनेजमेंट बिश्नोई नाम के एक नए प्रिंसिपल को अपॉइंट किए। बिश्नोई ने सारे अध्यापकों को बुलाया। बिश्नोई उनसे, देखिए टीचर्स, मैं कोई साधारण प्रिंसिपल नहीं हूँ, मैं बहुत बेरहम हूँ। मेरी एक बुरी आदत है, अगर कोई अनुशासन का पालन नहीं करेगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा, कतर के चबाऊंगा, खा जाऊंगा, पता है क्या? कहा। ये सुनकर उस स्कूल का पुराना प्रिंसिपल, सर आपके बातें सुनकर लगता है कि आप संकी हो, मैं एक मेंटल डॉक्टर को जानता हूँ, उससे बात करूँ क्या? कहा बिश्नोई तब। ऐसे सड़े हुए जोक्स मारना बंद करके बच्चों पे ध्यान दिए तो अच्छा रहेगा। पहले हमें स्कूल के चारों ओर एक बड़ी दीवार बनानी पड़ेगी, तब ये बच्चे कैसे भागेंगे मैं भी देखता हूँ। कहा। उसके बाद थोड़े मजदूरों को बुलाकर बिश्नोई स्कूल के चारों ओर एक बड़ा दीवार बनवाया। उसके साथ साथ बच्चों के खेलने के लिए स्कूल के अंदर तरह तरह के खिलौने, ट्रैम्पोलिन, जंपिंग जैसे सब उसमें रखवाया। ये देखकर बच्चे थोड़े दिनों तक क्लास होने के बाद स्कूल में ही खेलने लगे। उन्हें खेलते देख बिश्नोई बगल में खड़ा बद्री से, क्यों भद्री, देखे ना मेरी टैलेंट, सिर्फ एक ही झटके में बच्चे सही रास्ते पे आ गए, ऐसे दीवार बनाए कि नहीं सब ठीक हो गया, बच्चों के खेलने के लिए ट्रैम्पोलिन जंपिंग भी लगाए ना, सब खुश हैं, आपकी समस्या का समाधान मिल गया ना, इसीलिए तो मैं बहुत समझदार हूँ कहकर सारे स्कूल वाले मुझे उनके स्कूल को आने के लिए बहुत मिन्नतें करते हैं, और एक तुम हो जो डीमोट हुए। कहा बद्री तब। सर आप गलत नहीं मानोगे तो एक बात कहूँ, देखने में आप बहुत डिंगे मारने वाले लगते हो। इस स्कूल में रहने वाले राखी एंड गैंग के बारे में शायद आपको पता नहीं है, वो राखी कोई साधारण बच्चा नहीं है, पहले वो भागेगा और बाद में सबको रास्ता दिखाएगा, उसी रास्ते से सारे बच्चे भाग जाएंगे, पता है क्या? यूं कह रहा था, इतनी देर तक जो राखी ट्रैम्पोलिन पे कूद रहा था वो अचानक से दीवार के ऊपर जंप किया। उसे जंप करते देख उसके साथ साथ ट्रैम्पोलिन पे कूदने वाले बच्चे भी एकदम से स्कूल के दीवार पे जंप मार के नीचे खुद कर भाग गए। ये देखकर बिश्नोई दंग हो गया। बिश्नोई से बद्री, देखे ना बड़े डिंगे मार रहे थे, इतनी बड़ी दीवार बना के पैसे बर्बाद कर दिए, बड़ा आया नया प्रिंसिपल। कहकर चला गया। ये देखकर बिश्नोई अपने मन में, बद्री मेरा ही अपमान करोगे, देखते रहो मैं क्या चीज हूँ तुम्हें दिखाऊंगा, इन बच्चों को कैसे डराऊंगा, देखते रहना, एक मारूंगा तो स्कूल के बाहर कदम भी नहीं रखेंगे। सोचा। अगले दिन से वो दीवार खोद कर भागने वाले बच्चों की परवाह करना छोड़ दिया। और थोड़े दिन बीतने के बाद एक बार दीवार खोद कर भागने वाले बच्चों को थोड़े लोगों की मदद से बिश्नोई किडनैप करवाया। बाद में उन्हें एक घर में बांध दिया। बिश्नोई भेष बदलकर बच्चों के पास गया। अब बच्चों से बिश्नोई, चोरे बच्चा पार्टी, उतनी बड़ी दीवार खोद कर भाग जाओगे क्या, तुम्हारी कितनी हिम्मत रे, आज तुम सब मेरे हाथों मारे जाओगे, मैं तुम्हें काट दूंगा, चबा कर खा जाऊंगा। कहा राखी तब। ए तुम कौन हो भाई, हमारे नए प्रिंसिपल के जैसे दिमाग की दही बना रहे हो, पहले ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, पैसे चाहिए या गहने? पूछा बिश्नोई तब। मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें स्कूल से भागना नहीं है, स्कूल में ही रहना है, तुम्हारे नए प्रिंसिपल की इज्जत बचानी है, अच्छे से पढ़ना है और खुशी से खेलना है। कहा राखी तब। तुम सच में किडनैपर हो कहकर सोचे थे, मगर नहीं, तुम बेस बदल कर आए हमारे प्रिंसिपल हो। पकड़े गए। कहा बिश्नोई तब। रे मैं ही प्रिंसिपल हूँ कहकर कैसे पहचाने रे? राखी, पैसे मांगे बिना स्कूल में रहना है के तुम्हें धमकाते दे, तुम ही प्रिंसिपल हो कहकर हमें शक हुआ, अंधेरे में तीर मारा और तुम पकड़े गए।
कहा। बिश्नोई तब, तुम बहुत खतरनाक बच्चे हो लगता है, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम भागे बिना स्कूल में ही रहो, तुम्हें क्या चाहिए बताओ, पूछा राखी तब। अब आए ना रास्ते पे, वैसे बच्चे भाग रहे हैं तो उन्हें बुलाकर बात करना छोड़कर कोई दीवार बनवाएगा क्या? एक टीचर भी ठीक से पाठ पढ़ा रहे हैं कि नहीं, ये आपने कभी ध्यान दिया क्या? आपको पूरी बात पता नहीं है, किसी भी टीचर को ठीक से पाठ पढ़ाना नहीं आता, और ऊपर से डाउट पूछे तो उन्हें जवाब पता ना हो तो हमें मार रहे है, घर में बोले तो स्कूल फीस भर रहे है, स्कूल नहीं बदलेंगे कहकर बोल रहे है, भागने के अलावा हम और क्या कर सकते है? कहा बिश्नोई। क्या हमारे टीचर्स ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं? अभी जांच करता हूँ, आपकी बात सच निकली तो उन टीचर्स की खैर नहीं, चलिए, कहकर बच्चों को स्कूल ले गया। उस दिन से बिश्नोई भी बच्चों के साथ हर क्लास में बैठकर पाठ सुनने लगा। इस वजह से स्कूल में ज्यादातर टीचर्स अनक्वालिफाइड हैं और बद्री पैसों की लालच में उन्हें अपॉइंट किया है कहकर पता चलता है। उन सारे अनक्वालिफाइड टीचर्स को बिश्नोई ने नौकरी से निकाल दिया। उनके साथ साथ उन्हें नौकरी पर रखने के लिए बद्री को भी स्कूल से निकाल दिया। उसके बाद अच्छे टैलेंटेड टीचर्स को अपॉइंट करने के वजह से बच्चे अच्छे से पढ़कर स्कूल में खेलते हुए खुशी से रहने लगे। ये देखकर बिश्नोई बहुत खुश हुआ।